हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि आपको जो है SBI क्लर्क LPT टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बता दूंगा जिससे आप घर बैठे भी जो है LPT के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ने जो है एग्ज़ाम वो अपनी स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल किया होगा और वहाँ का जो है लैंग्वेज, जैसे कि मैं बात करूँ गुजरात का, तो गुजराती का आपको टेस्ट देना पड़ेगा। और भी आपने जिस स्टेट से जो है फॉर्म फिल किया है वहाँ का आपको LPT टेस्ट जो है वो क्वालिफाई करना होगा। तो आज की वीडियो में उसी की स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि कैसे आप उसको जो है घर बैठे भी प्रिपेयर कर सकते हो। और मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताई थी कि LPT की प्रोसेस क्या होती है, कैसे LPT आपका टेस्ट लिया जाता है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक भी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो वो भी आप एक बार जाके ज़रूर चेक करें। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। टेलीग्राम चैनल भी मेरा जो है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रामदेव, करंटली वर्किंग एज एन एसोसिएट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सबका जो है SBI PO का जो है रिज़ल्ट आ गया, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस उन लोगों को जिनका SBI PO में सिलेक्शन हो गया है। अब आप सब लोगों को उम्मीद होगी अपने SBI क्लर्क मेंस के रिज़ल्ट की, तो उसके बाद आपका जो है एक LPT टेस्ट भी होना है। तो उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या आपको अभी प्रिपेयर कर लेना चाहिए या फिर रिज़ल्ट आने के बाद? देखिए, हमारे टाइम में जब टेस्ट हुआ था तो हमें सफिशिएंट टाइम मिल गया था प्रिपेयर करने के लिए, पर मैं आपको बोलूँगा कि आप जो है अभी से LPT, जिनका भी जो है मेंस का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, वो LPT टेस्ट का प्रिपरेशन करना शुरू कर दें, क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद आपको शायद टाइम जो है वो कम मिले। तो आपको जो है LPT की क्या कम्प्लीट स्ट्रेटजी है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है? तो जिस भी लैंग्वेज का आपका LPT टेस्ट होगा, आपको क्या करना है, उसकी आपको जो है एक बेसिक जो होती है वो आपको एक बुक मंगवा लेनी है, जिसमें कि आप बाणों की व्याकरण वगैरह दी हो या फिर अल्फ़ाबेट वगैरह उसकी जो है वो दी हो। तो ऐसी आपको जो है एक बुक ऑनलाइन मिल जाएगी, जिस भी लैंग्वेज का आपका टेस्ट होना है उस लैंग्वेज की आपको बुक मंगवा लेनी है। और आपको क्या करना है, उसके जो अल्फ़ाबेट हैं, जैसे कि हम हिंदी में बात करते हैं ए आ से लेके आपका ए आई जो वाले अल्फ़ाबेट हैं, या इंग्लिश में A to Z वाले जो अल्फ़ाबेट हैं, इनको आपको सबसे पहले लर्न करना सीख लेना है, लिखना सीख लेना है और उनको आपको पढ़ना है। मतलब आपको जो है ए आ जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं, याद करते हैं, ABCD हम इंग्लिश में याद करते हैं, ऐसे ही आपको उस लैंग्वेज का जो वर्ड है उसको आपको पूरे सीख लेना है। अब इससे सीखने से क्या होगा, और आपको उसको जो है लिखना भी है, इससे क्या होगा, जैसे ही आप ये अल्फ़ाबेट सीख लोगे तो आपको गुजराती या कोई भी आपकी लैंग्वेज है वो लिखना आपको ईजिली आ जाएगा, क्योंकि आपने जो है वो पूरे पूरे वर्ड लिखने जो है वो सीख लिए। तो आपको कहीं से भी वो कुछ भी लिखवा लें, कहीं से भी आपसे कुछ भी पढ़वा लें, तो आप ईज़िली कर पाओगे। तो मैंने जो है वो मेरा भी जो है LPT वो गुजराती लैंग्वेज का हुआ था, तो मैंने भी ऐसे ही किया था, गुजराती के मैंने जो है अल्फ़ाबेट पूरे सीख लिए थे, उनको लिखना जो है वो सीख लिया था। तो उसके बाद जो है जब आपको पढ़ना आ गया, जब आपको लिखना आ गया, तो आप कोई भी वर्ड उससे जो है वो लिख सकते हो। तो मतलब आपको एक बेसिक आइडिया पता चल गया होगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो आप क्या कर सकते हो, नेट से या तो आप ऐसे ही वीडियोज़ वगैरह देख लो, या वीडियोज़ आपको नहीं देखनी तो आप कोई भी बुक मंगवा लो। जैसे मैं गुजराती की बात कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया था, मैंने जो है एक गुजराती लैंग्वेज की जो है एक बुक मतलब रिज़ल्ट के बाद ऑर्डर कर दी थी। तो वो रिज़ल्ट जब मेरे पास बुक आ गई तो मैंने उसमें से जो है अल्फ़ाबेट पहले पूरे पढ़ लिए और उसको सीख लिया, एक दो बार मैंने जो है उसको रिवाइज़ कर लिया, पढ़ लिया, तो मैंने उसको लिखना जो है सीख लिया। तो उससे क्या हुआ, मुझे पढ़ने में भी आसानी हो गई, उसके बाद लिखने में भी जो है आसानी हो गई। और जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताई थी कि आपका जो है वो टेस्ट कैसा होता है, तो उसके लिए आप उस वीडियो को ज़रूर चेक कर लें। तो यही आपकी जो है स्ट्रेटजी है, आपको अल्फ़ाबेट सीख लेने हैं पढ़ने और लिखने। अगर आपने पढ़ने और लिखने अल्फ़ाबेट सीख लिए तो आपको कोई भी लैंग्वेज ईजिली पढ़नी और लिखनी आ जाएगी, और ऐसे आप ईज़िली जो है अपना LPT टेस्ट जो है वो क्वालिफाई कर पाओगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स, और अपनी प्रिपरेशन करते रहो।